गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस आज की तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है, बहुत ही ज्यादा यार ये प्यारी वीडियो है। और जिस भाई ने हमें ये सेंड किया उन्होंने बोला है कि पर्सनली खुद बोला है कि मतलब इस पर लाजमी रिएक्ट करें, आपको मजा आ जाएगा। तो अब वीडियो का टाइटल तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो वो है खत आया स्वच्छ भारत। मतलब वीडियो का सिर्फ यही टाइटल है कि खत आया स्वच्छ भारत, एवरी इंडियन मस्ट वॉच दिस वीडियो। मतलब बहुत ही शायद स्वच्छ भारत के बारे में कोई वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो होने लगी है। तो देखते हैं अभी भाई कैसी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से भाई देखते हैं, फिर पता लगेगा क्या है वीडियो में। तो भाई तो काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। चाचा जी सफाई कर रहे हैं। आप साफ करते रहोगे और लोग कचरा करते रहेंगे, अरे कुछ नहीं होगा इस देश का। पान फेंक, हाँ हो सकता है, बस थोड़ी और सफाई करनी पड़ेगी। कैसे थोड़ी और? ये आपका खत आया है। किसका है? किसी भारत ने भेजा है। भारत? हमारा गांव में तो कोई भारत है नहीं। मैं किसी भारत को नहीं जानती। पढ़ लो, शायद कोई पहचान वाला हो। सदर पढ़ रहे हैं सारे, शायद आप मुझे पहचानते नहीं के दे रहे। पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से, कई बार कई जगहों पर हम मिल भी चुके हैं और हर मुलाकात एक याद बन निकली। याद है जब वह मिश्रा की बीवी रसोई से कूड़ा फेंक रही थी, तब आप ही ने तो उसे डांटा था। मतलब कूड़ा फेंक रही है। गांधी चौराहे के सामने वाली दीवार पर जब आप ही थूक रहा था, तब आप ही ने तो उसे रोका था। अलग खुद थूक रहा था ये, किसी दूसरे ने फेंका हुआ कचरा जब आपने उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला था ना, तब मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है। आपके बहुत एहसान है मुझ पर, नहीं तो बोला कौन सोचता है इन छोटी छोटी बातों के बारे में। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका मेरी इतनी इज्जत करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे महान बनाने के लिए, आपका प्रिय भारत। ये मतलब शर्मिंदा हूँ मैं। हाँ शर्मिंदा हूँ। सच बात बताओ कौन था? मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कुछ चेंज हो पाए। वाह वाह वो बैंक में लाके दोबारा को मुंह दादा। अरे अपना दिल साफ हो रहा है। हाँ पर और एक थोत देना बाकी है। अब कौन? ये आपका खत आया है, किसी भारत ने भेजा है। ये मतलब लोगों को, लोगों को बोल रहे हैं। हाँ मतलब भारत को भेजा। यार कमाल की वीडियो बनाई है। अचिंद्र का गांव का राइटर एंड डायरेक्टर आवाज प्रोडक्शन उन्होंने बनाया। वाह इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार इस तरह का मैसेज, मतलब सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन है कि किसने बनाई है वीडियो, उनका हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमने रैंडम वीडियो उठाई है। हाँ। तो हमें मतलब नीचे कोई नहीं पता किसने बनाया, चैनल हाँ। वगैरह नहीं था, इसी तरह हाँ, मतलब सब्सक्राइबर्स थे बंदे के। हाँ हाँ 21 सब्सक्राइबर। हाँ 21 सब्सक्राइबर। तो ये ओरिजिनल किसने बनाई है वो कमेंट सेक्शन। बहुत कमाल की वीडियो बनी हुई है, बहुत कमाल की यार। मतलब इस तरीके से भाई पेश किया गया ना, मतलब देखें आप वही गन फैला रहे थे लोग। हाँ। और उन्हीं को खत भेजा कि आपने ही डांटा था उनको, आपने ये किया था। हाँ, मतलब उनको एहसास दिलाने के लिए किया इस तरह के, मतलब आपने उनको डांटा था, हालांकि उन्होंने किया होता है लेकिन डांटा था, मतलब एक अच्छे तरीके से उनको समझाने का एहसास दिलाया गया कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब तुम क्या। और फिर वो जिस वक्त आखिर पे उन्होंने बोला चाचा जी ने, फिर वो पोस्ट ऑफिस वाले भाई ने बोला कि
देश साफ हो रहा है ना, तो चाची जी ने बोला एक और खाद भेजना पड़ेगा, मतलब, वो मतलब फिर वो इस तरह किया तो वो सबको खाता है, मतलब वीडियो के थ्रू सबको ये खाद भेजा गया। क्यों? हाँ, क्योंकि यार ये एक ऐसा मैसेज है जो एक पूरी कौम के लिए था, पूरी पूरी कंट्री के लिए था, पूरी लोगों के लिए था, क्योंकि कचरा फैलाना तो यार लाजमी बात है, बहुत बुरी बात है। दूसरी बात ये कि एक दफा ये इस तरह का मोदी जी ने भी एक प्रोसेस स्टार्ट किया था, स्वच्छ भारत अभियान, ये वही प्रोसेस है, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट है भाई, काफी लोगों ने, और इसमें मोदी जी ने खुद भी पार्ट लिया था, वो बीच साफ की थी उन्होंने मेरे ख्याल में, सेलिब्रिटीज वगैरह शामिल हुए थे इसमें, काफी सारे लोग हुए थे। इसी वजह से यार मेन बात ये है ना कि हम जब अपने देश का ख्याल नहीं रखेंगे तो यार कौन रखेगा, हमारा मतलब देश है अपना, हमें जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, हमें चाहिए कि हम इसी तरह अपने मुल्क भी साफ रखें। कचरा अक्सर मैंने देखा है लोग गलियों में फेंक देते हैं, इसी तरह फेंक देते हैं, ये वो जो तो बहुत गलत बात है। और वो कहते हैं ना भाई, मतलब घर भी देखें हम, घर हमारा एक कंट्री भी घर होता है, बिल्कुल तो होता है। उसको अगर साफ रखना है, जिस तरह हम घर को साफ रखते हैं, घर से कचरा साफ कर करके बाहर फेंकते हैं, फेंकते हैं, तो उससे अच्छा वो थोड़ा आप कहीं और जगह पे, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है बंदा जाके डस्टबिन बॉक्स में, क्योंकि आजकल तो हर तकरीबन जगह पे पड़े, जगह जगह पे जो है ना डस्टबिन पड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम अगर किसी फर्ज करो, मैं एक ये नहीं कह रहा, मैं इंडियन नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान का भी कह रहा हूँ, इधर सेम यही होता है। बिल्कुल यार, कम से कम हमें ये चाहिए, थोड़ा सा अगर कचरा इकट्ठा होता है तो अगर आप फेंकते हो इसी तरह रोड पे फेंक जाते हो, भाई हम जैसे लोग जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, हाँ, तो हमसे ज्यादा सफाई वाला कोई होता ही नहीं है, होता ही असल में कुछ भी खाया नहीं, सफाई वाला नहीं, मतलब रूल्स हैं, रूल्स में है, और बंदे को खुद अजीब महसूस होता है कि मैं अगर इनके सामने जब फेंकूंगा क्या बोलेंगे, कैसा बंदा है, वो तो कुछ नहीं बोलेंगे हमें उस टाइम, लेकिन वही कोई और बंदा आके उनको उठा के फेंक देगा, क्योंकि वो लोग अपने आप को सुधार चुके हैं बहुत ज्यादा, और हमें सुधारना पड़ता है। जब हम जाते हैं देखो, फिर खुद गिन महसूस होती है बंदे को। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब हम पाकिस्तान में फर्ज करो होते हैं, फर्ज करो हम पाकिस्तान में होते हैं, हम ऐसी गाड़ी चला रहे होते हैं जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, उधर रूल्स को फॉलो किया जाता है, उधर जैसे ही आप गाड़ी चलाओगे, तेज चलाओगे, हर जगह कैमरे लगे हुए, ऑटोमेटिकली जाके बंदे को डर लग जाता है यार, डर लग जाता है कि कहीं यार चालान, डर भी, और भाई उन लोगों के अंदर वो भी है, मतलब वो खुद साफ रखना जानते हैं, तो मतलब लोगों को बदलना पड़ेगा, तब भी कंट्री बदलेगी, तब कंट्री बदलेगी, क्योंकि जब लोग ही नहीं बदलेंगे तो कंट्री। और इस तरह के मैसेज आते रहे यार, बहुत ही अच्छा जनरल मैसेज बनाया, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो गाइस इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।